पूजा में हमारे साथ शाम ही नहीं नेहा बैठेगी। अब सब लोगों ने मिलकर जबरदस्ती इसे हमारे गले बांध दिया, जबकि हम तो इसे प्यार भी नहीं करते। आज हम सारी गलतियां सुधार देंगे। आज से हम हमारे पत्नी का दर्जा नेहा को देते हैं। आज से शामनी की जगह नेहा होगी। सुधाकर, ऐसी कौन सी फोटो आ गई उसकी? कैसे कर सकती है वो ऐसा? Oh my God! सुधाकर, I hope मेरी राधा ठीक हो। देखा? पता करो उससे कि क्यों पागलपन कर रही है ये। और दुआ करो कि कबीर के हाथ ये फोटो नहीं आनी चाहिए, वरना कयामत आ जाएगी। कोई गड़बड़ नहीं होगा प्रभाकर जी, मैं हूं ना। आप डेट्स की चिंता मत कीजिए, बस कॉन्ट्रैक्ट बनवाइए एंड कीप मी पोस्टेड। या फाइनली पहुंच गए। परफेक्ट। शामली जी, ये क्या कर रही हैं आप? अभी भी जीने की कोई वजह बची है राधा? दूध में पड़ी मक्की की तरह मुरली जी ने अपनी जिंदगी से हमें बाहर निकाल फेंक दिया। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्लीज चली जाओ यहाँ से। शामली जी, इधर देखिए, मुरली जी से बहुत प्यार करती है ना। हमारे प्यार करने या ना करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस। शामली जी, वो लड़की एक नंबर की फ्रॉड है, वो किसी के भी प्यार करने के लायक नहीं है। ट्रस्ट मी, इस घर में आपकी जगह मैं किसी को लेने नहीं दूंगी। बस एक बार मुरली जी को उस नेहा की असलियत पता चल जाए, बस कोई फायदा नहीं है। हम अच्छी तरह समझ गए मुरली जी की चुप्पी को उनकी बेरुखी की वजह। सच बात तो यह है कि आज तक वो हमारे प्यार को समझ ही नहीं पाए। शामली जी, तो समझाइए ना उन्हें, लड़िए अपने प्यार के लिए। जिस प्यार को लड़के हासिल किया जाए ना, वही असली प्यार होता है। और हर किसी को नहीं मिलता अपने प्यार को साबित करने का मौका। मैं, साधना आंटी, गोविंद अंकल, एलडी, हम सब हैं आपके साथ। शामली जी, वो जमाना गया जहां आदमी कुछ भी करे और औरतों को चुपचाप सहना पड़े। मुरली जी ने शादी की है आपके साथ और उन्हें ये रिश्ता निभाना भी पड़ेगा। प्यार जबरदस्ती नहीं होता है राधा। ये जबरदस्ती नहीं है भाभी, ये आपका हक है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। बस मुरली जी थोड़ा भटक गए और उन्हें रास्ते पे लाना आपके प्यार का टेस्ट है। हमें नहीं लगता कि हम उनके दिल में अपने लिए जगह बना पाएंगे। नहीं, ठीक है, आपने हार मान ही ली है तो ये लीजिए, काट दीजिए अपने नस को, खत्म कर दीजिए खुद को। मुझे, हम सबको यकीन हो जाएगा कि आपने कभी मुरली जी से प्यार किया ही नहीं था। अगर आपने एक मिनट के लिए भी मुरली जी को दिल से चाहा है ना, तो उन्हें छोड़कर जाने की बात सोचे भी मत। मेरा यकीन मानिए, इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। और पूजा अब शुरू होने वाली है। मुरली भैया के साथ पूजा में सिर्फ आप ही बैठेंगी। हुई ना बात, और वैसे भी है पति के बगल में पत्नी अच्छी लगती है, कोई और औरत नहीं। शामली को उसकी जगह बिठाकर ये खुद कहां जा रही है? राधा बेटा, तुम कहां जा रही हो? पूजा शुरू होने वाली है। बेटा, पंडित जी ने कहा है कि सभी जोड़े साथ बैठेंगे तभी पूजा शुरू होगी। आओ। लेकिन माँ, आप लेकिन साधना आंटी। बेटा, मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है और पूजा करने का हक ना कोई किसी को दे सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। भास्कर कबीर। ए बॉस्को, व्हाट्स अप? क्या यार, तुम्हारे कहने पे मैंने राधा को फॉरेन एवर के नया एड का फेस बनाया। तुमने ही कहा था ना, शी इज योर फाइंड, उसमें वो बात है। सो प्रॉब्लम क्या है? अरे यार, आई कांट गेट इन टच विद हर, बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, जस्ट गेट इन टच विद शिवानी, वो तुम दोनों की मीटिंग फिक्स कर देगी। And if I'm not mistaken, राधा इस वक्त मथुरा में for some religious program. I don't know. First of all, मैं जानता हूँ कि राधा मथुरा में, और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि सब लोग जानते हैं, न्यूज़पेपर में तक आ चुका है। And secondly, मैंने शिवानी को भी फोन किया, उसका भी नंबर अनअवेलेबल था। यहाँ तक मैंने फोन होटल में भी किए थे, वहां से वो दोनों चेकआउट कर चुके, वो भी दो दिन पहले। What? How is that possible? And what newspaper are you talking about? राधा भी ना, सो तुम्हें इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था? वाओ, आई डोंट थिंक सो कि ऐसे पहले भी कभी हुआ था कि कबीर कपूर की किसी प्रोटीजे ने इतनी बड़ी हरकत की।
Where the hell are you, Radha? यजमान, जैसे जैसे मैं स्वाहा बोलते जाऊंगा, पति केवल इसमें स्वाहा की अग्नि में सामग्री डालेगा, पत्नी उसके हाथ को छुएगी खाली। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंडकारी भानु शशि भूमि सुतो गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति भवंतु स्वाहा। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव। हे कान्हा जी, इन दोनों का ये साथ फिर कभी न छूटे। गुडनेस, बड़ी टेढ़ी है ये लड़की भाई। फिर से वापस आगे बताइए, इन्हें हम मरवाएगी, हमको बस मरवा ही देगी। तुम्हें छोड़ेंगे नहीं राधा, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। या देवी सर्वभूतेषु
मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है दादाजी, पर इस घर के लोग शायद मुझे उस काबिल नहीं समझते। बेटा कान्हा जी तुम्हें शक्ति दें, अब तुम ही हमारी एकमात्र आशा हो, केवल तुम इस घर को बचा सकती हो। चल रही थी ना स्टार राधा पाठक, तुमने अपना दाव तो खेल लिया, लेकिन अब हमारी बारी। लेकिन इस बार तुम्हारी बारी दोबारा नहीं आएगी। नोरी क्योंकि तब तक तुम्हारा पैकअप हो चुका होगा। राधा थैंक यू सो मच, आज तुम्हारी वजह से। श्यामली जी इट्स ऑल राइट, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। श्यामली बेटा, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। माँ आपकी वजह से। अरे किराइंग फिराइंग बाद में करना, पहले हाथ आगे बढ़ाओ और चरणामृत लो। हाय शुभ होता भाई। हाय भाभी, राधा रानी। अरे अरे चाची जी संभाल के। जय श्री। सॉरी सॉरी सॉरी, अब क्या करें, पैर जो है साड़ी में अटक गया। सारी साड़ी खराब कर दी हमने। एक काम करो, तुम फांस फांस जाकर धो डालो, वरना वो कहाँ है तुम्हारा, वो कौन है वो फैशन डिजाइनर, वो हमको धो डालेगा फांस फांस। हम भी जाएं जरा। मुझे चेंज करना है। मुझे ओह तुम हो, मैं बाद में चेंज कर लेती।
हेलो।